मुर्गी पालन के साथ साथ बहुत से लोग तीतर और बटेर जैसे पक्षियों को भी पालते हैं, तो इन पक्षियों में कितना दमखम है, बाजार के लिहाज से ये कितने उपयोगी हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला जी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष कुक्कुट पालन विभाग वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा एवं पूर्व संयुक्त आयुक्त कुक्कुट पालन विभाग भारत सरकार। हमारे देश में जो जापानी बटेर हैं, प्रथम बार 1972 में इस देश में हमने इनको आयातित किया था और तब से लगातार इस पर जो शोध कार्य और इसकी ब्रीडिंग है वो हमारे देश में ही हो रही है। पूर्व में ये जरूर भ्रांति थी कि इसको जो जंगली जंतु अधिनियम है उसके अंतर्गत हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, परंतु अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसने इसको उस संपूर्ण बाध्यता से मुक्त कर दिया है और इसको हम देशी मुर्गियों की तरह ही अब आपके घर पे पाल सकते हैं, आपके फॉर्म पे पाल सकते हैं। और इस देश में अब जापानी बटेरों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन गया है। खासकर किसान भाइयों को मैं यह बताना चाहूँगा कि ये ऐसा इकलौता बर्ड है जो बहुत जल्दी ही अंडा देना प्रारंभ कर देता है, जहाँ हमारी मुर्गियाँ लगभग 20 सप्ताह का समय लेती हैं अंडा देना प्रारंभ करने के लिए, वहीं ये पक्षी जिसे हम जापानी बटेर के नाम से जानते हैं यह मात्र 6 हफ्ते की उम्र में ही अंडे देना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब जो भी लागत हम लगाते हैं उसकी कम से कम समय में वापसी होना प्रारंभ हो जाती है। जापानी बटेर का जो मार्केटिंग एज है, जो बाज़ार में भेजने का उम्र है, वो भी लगभग 6 सप्ताह है, क्योंकि इसमें अधिकतम जो मास है, जो इसका वजन है, वो 6 सप्ताह में हमें मिल जाता है। और देखें तो देखने में ये एक छोटा सा पक्षी होता है और इसका अधिकतम वजन 180 से 225 ग्राम या 240 ग्राम तक होता है। और इस बर्ड की खासियत होती है कि खासकर मीट के पर्पज़ के लिए संपूर्ण बर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसमें से कोई भी चीज़ फेंकने लायक नहीं होती है। इसका मतलब हड्डी और मीट ये लगभग सारे के सारे इसमें ग्राह्य होते हैं और खाए जाते हैं। खासकर तंदूरी के रूप में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है और इसका भी हमारे देश में एक निश मार्केट है, एक अलग ही मार्केट है, जहाँ हम देखते हैं कि मुर्गी का मीट किलो के हिसाब से हमारे देश में बिकता है, वहीं यह जापानी बटेर पीस के रूप में हमारे देश में बिकते हैं और एक पीस लगभग 40 से 50 रुपए का, जो 180 से 250 ग्राम का होता है, वो बिक जाता है। खाने की दृष्टि से देखें तो इस बर्ड का फीड कंजम्पशन बहुत कम है और अगर आप फीड देते भी हैं तो उसका लगभग 1:3 का रेशियो होता है। 30 ग्राम दाना ज़्यादा से ज़्यादा यह बर्ड जब एडल्ट स्टेज होती है प्रतिदिन खाता है और 6 हफ्ते में बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी कई जो वेराइटीज़ हैं वो हमारे देश में उपलब्ध हैं। दो वेराइटी इसको अभी आप देख ही रहे हैं, इसमें से एक वेराइटी है कैरी श्वेता और दूसरी है कैरी उज्ज्वला। एक ब्राउन कलर का वैरायटी है, एक सफ़ेद कलर का वैरायटी है और इस दिशा में हमारा जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है जयनगर, उसने काफ़ी कार्य किया है और अब जो इनके पास उन्नत किस्म का पक्षी उपलब्ध है उसका वजन लगभग 240 ग्राम 6 हफ्ते में हो जाता है। तो इसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है 180 से 240 ग्राम तक ले जाने के लिए। इस बर्ड को कम जगह पे आप रख सकते हैं, रखने की आवश्यकता बहुत कम होती है। इवन ग्रामीण परिवेश में जो आपने देखा है बांस के बड़े बड़े जो कार्टून्स होते हैं आपके, जिनको आप टोकरी होती हैं, उनमें भी इस बर्ड को पाला जा सकता है। सिंपली इसमें हवा के आने जाने का अच्छा आवागमन का प्रबंध होना चाहिए, उसके साथ दाने पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अगर घर का छोटा सा हिस्सा है या पीछे बैकयार्ड है उसमें भी आप एक छोटा सा फॉर्म जैसा शेड बना करके या उसका नाइट शेल्टर बना करके इसका इंतजाम कर सकते हैं। परंतु इस बर्ड को आप नोमैडिक पैटर्न पे, आप स्कैवेंजिंग पैटर्न पे नहीं रख सकते हैं। ये घुमंतु बर्ड नहीं है, इसको आप ओपन में नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपको रखने की, खाने की, पीने की व्यवस्था बैकयार्ड में ही करनी होगी। और प्रथम कुछ दिनों में चूँकि इसका चूजा बहुत नाजुक होता है, 7 से 8 ग्राम का होता है, तो उसके लिए नीचे जो कोरूगेटेड बॉक्स होता है, जो कोरूगेटेड आपने देखा होगा हार्डबोर्ड होता है खासकर जिससे हमारे ये पैकिंग मटेरियल बनते हैं, उसको थोड़ा सा रखना 5-6 दिन के लिए ज़रूरी होता है, जिससे इसके पैरों में थोड़ा सा सशक्तिकरण हो जाए, उसके पैर इस लायक हो जाएँ कि वो फिर आराम से घूम फिर सकें। और प्रथम सप्ताह 2 सप्ताह तक इसके खाने पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से देखनी होती है। परंतु इस व्यवसाय में अगर थोड़े से ही पूंजी से आप इसको कर सकते हैं
इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है और यह जो समस्त आपकी पूंजी है वो पूंजीगत व्यय के साथ साथ इसकी जो प्रॉफिट है, जो फ़ायदा है, वो भी आपको 6 सप्ताह से 8 सप्ताह में पूर्ण रूप से वापस मिल जाता है। अतः व्यवसाय की दृष्टि से जो जापानी बटेरों का उत्पादन है, इसके व्यवसाय को अपनाना भी किसान भाइयों के लिए हितकारी है।